हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हिरेन कुमार एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से रील्स को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मात्र 2 मिनट में आप लोग को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से वीडियो को कितनी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। तो नए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों, आप लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप लोग को मैं फाइनली बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से वीडियो को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं और आप बताते हैं। सबसे पहले हम लोग को चलना है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, तो चलिए इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए। अब फाइनली हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्लिक कर दिए। थोड़ा सा यहाँ पे आवाज़ को कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। आवाज़ को फुल्ली कम कर दिए। अब यहाँ पे आने के बाद देख रहे होंगे बहुत सारा यहाँ पे वीडियो है। कोई वीडियो मान के चलिए कि हमको इस वीडियो को हमको अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो का चिन्ह दिया हुआ है। एरो के चिन्ह पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉपी लिंक का लिखा हुआ है। कॉपी लिंक पर हम लोग को क्लिक कर देना है। और यह देखिए फाइनली कॉपी हो चुका है। सीधा हम लोगों को यहाँ से कट कर देना है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल मात्र 2 मिनट में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम से रील्स को डाउनलोड किया जाता है। तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग कट कर दिए। अब कट करने के बाद अब आपको आना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र को हम लोग ओपन कर दिए। देखिए यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए। यहाँ सर्च का ऑप्शन है। सर्च में जाने के बाद लिखना है स्टोरी स्टोरी सेवर। स्टोरी सेवर लिख दिए। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है स्टोरी सेवर डॉट नेट। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज। उसके नीचे में लिखा हुआ है इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम। तो हम लोग जो वहाँ से कॉपी किए थे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा धीरे से उंगली से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आया। हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए वहाँ से कॉपी किया हुआ लिंक यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं आई एम नोट ए रोबोट का ऑप्शन आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे गोल जो चिन्ह दिया हुआ है इस पर हम लोग टच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मात्र 2-3 सेकंड लगता है। तो देखिए फाइनली हम लोग के सामने वह वीडियो आ चुका है जिसको हम लोग डाउनलोड करना चाह रहे थे। तो नीचे देखिए यहाँ पर सेव एज ए वीडियो लिखा हुआ है, तो सेव एज ए वीडियो पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए हम लोगों के सामने वीडियो आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का निशान दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि अब वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से कट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग गैलरी में चले जाएंगे या एल्बम में चले जाएंगे, जहाँ भी वीडियो सेव होता है। जैसे एल्बम में हम जाते हैं, एल्बम में जाने के बाद देख सकते हैं कि यह वीडियो फाइनली सेव हो चुका है। अब इसको चालू करके देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका में सीख लिए होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को